अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मी के हिसाब से लौकी का रायता। बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में, खाने के साथ साइड पे भी अच्छा रहता है। कटलेट्स के साथ ले लें, राइस के साथ ले लें। मेरे पास यहाँ पे 1 किलो दही है। यहाँ पे हमने लौकी को श्रेड करके बॉयल होने रख दिया है। आपको दोनों प्रोसीजर दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारी लौकी बॉयल हो रही है और इधर हम दही को थोड़ा सा विस्क कर लेते हैं। हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए। मेरे पास पीसी हुई चीनी है, अक्सर रखते हैं घर में। 1 से 2 टेबलस्पून हम शुगर ऐड कर रहे हैं इसमें। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। पीसी हुई काली मिर्चें भी 1/2 टीस्पून से भी कम जा रही हैं। आप इसको फ्लेवर कर सकते हैं मिक्स करके कि आपके घर में कौन सी चीज़ कम ज़्यादा पसंद की जा रही है। हमारे पास ये घर में दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, वो है। आपके पास हो तो डाल लें, ऑप्शनल है, लेकिन इससे ना बड़ा अच्छा क्रीमी सा बनता है। गर्मी के मौसम में ना सालन से ज़्यादा अच्छी ये चीज़ें रहती हैं, इसलिए मैं इस तरह की लाइट लाइट रेसिपी दे रही हूँ। सालन भी बनाते हैं सबके घरों में, माशाल्लाह से सब कुछ बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे साइड जो ना तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखें 2 से 4 मिनट हुए हैं, ज़रा 5-7 मिनट्स हो जाएंगे तो हम इसे ड्रेन करेंगे और ठंडा पानी इसके ऊपर से अच्छा सा इसे निथारेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके दही में ऐड करेंगे। गरम गरम दही में ऐड करने से ये होता है कि दही फट जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस से हमें ये काम करना है। ये हमने दही को अच्छी तरह बेक कर लिया है। जो हमारी लौकी बॉयल हो रही थी उसको हमने इस तरह से टेढ़ा करके ठंडा कर लिया है, स्ट्रेन करके ठंडा पानी डाल के। और अगर चाहें तो हाथ की मदद से भी इस तरह प्रेस करके डाल सकते हैं। गरम डालने से दही फट जाता है। सारा इसमें ऐड हो गया। मिक्स की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। गाढ़ा गाढ़ा सा गर्मियों में ठंडा ठंडा सा बहुत अच्छा सा रायता रेडी है। अब इसका एंड जो है वो बता देते हैं आपको। ये हमारे पास 1/2 टीस्पून से कम ज़ीरा है, इसको इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया। और पुदीने के फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं, हाथ से ऐसे तोड़ देंगे, धो लिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और जस्ट 1 स्पून से हम इसको हल्का सा सेट कर देंगे। पूरा नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा रहने देंगे ताकि लुक गुड आए। दिस इज़ रेडी।